नमस्कार मित्रों, आम आदमी पार्टी के काम का पैमाना भ्रष्ट नेता गली गली मैखाना और ये मैखाने के भ्रष्टाचार की बू आज देश और दुनिया तक पहुंची है। शराब के घोटाले की बू देश और दुनिया तक पहुंची है। शराब घोटाले के आरोपी नंबर वन मनीष सिसोदिया जी, लेकिन किंग पिन है अरविंद केजरीवाल जी। द एक्यूज नंबर वन ऑफ द लीकर करप्शन इज मिस्टर मनीष सिसोदिया, बट द किंग पिन ऑफ करप्शन इज अरविंद केजरीवाल। और आज की प्रेस वार्ता से साफ पता चलता है कि शराब के घोटाले के बाद चेहरे का रंग, हाव भाव सब मनीष सिसोदिया जी के उड़े हुए थे। शराब के भ्रष्टाचार के कारण वो पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे और ये स्वयं उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें। मनीष सिसोदिया जी ने कहा शराब के घोटाले की चिंता ना करें। ये तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ। अब पहली बात यह आती है कि मनीषी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी? आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। मेरा सवाल इनसे यह है कि मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया? अगर दिया तो क्यों? आप यह भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं? एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कार्रवाई की? आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की? ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। क्योंकि जिस तरह से इनके एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि हमें कोविड से लेना देना नहीं, अरे भाई कोविड में तो आपने कुछ किया ही नहीं। दिल्ली में देश में हाहाकार मची दिल्ली के कारण, वो देखने को मिला। इनके नेता ने कहा कोविड से हमें लेना देना नहीं, तो भाई शराब वालों से क्या लेना देना था आपका, ये तो बता दो। मेरा इनसे एक और सवाल है कि आखिरकार शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया? किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी? किसके कहने पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। वो आज तक सवालों के जवाब से भागते हैं। यह सवाल देश की जनता बार बार पूछती है कि शराब के व्यापारियों के प्रति ये इतने नरम दिल क्यों? किसको कितना मिला, कैसे मिला, इसकी जड़ तक जाना ही होगा। आप अपने शराब के घोटाले को बाकी बातों से ना ढकने का प्रयास करें।
क्योंकि आपका असली चेहरा सामने आया है। और यही नहीं, ये लोग सच्चाई से भागते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो या बाकी हो, ये सच्चाई से भागते हैं, ये जिम्मेदारी से भागते हैं, ये सवालों से भागते हैं। अब ये जनता से भी दूर भागेंगे। और आज जब मीडिया के मित्र सवाल पूछ रहे थे तो मनीष जी उल्टे पांव भाग रहे थे। मीडिया के सवालों से पीठ दिखाकर भाग सकते हो, जनता से भी ऐसे ही मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को भागना पड़ेगा। और ये जो 30 करोड़ रुपए जो EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हुआ था, ये क्यों वापस किया? अगर वो अनुमति नहीं ले पाए तो आपने इनके पैसे क्यों वापस किए? ये पैसे वापस किए तो आपकी जेब में कितने आए? इसका जवाब आपको देना होगा। मैं यही नहीं, ये सारे सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल जी को खुली चुनौती देता हूं, अगर दम है तो अरविंद केजरीवाल जी मीडिया के सामने आए, देश के सामने आए, 24 घंटों के अंदर जवाब दे। ना ये CBI के जवाब दे पा रहे हैं, ना ये मीडिया के जवाब दे पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा ये सच्चाई से भागते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं, सवालों से भागते हैं, अब जनता से भागेंगे। आपने ठेकों की, आपकी सरकार ने, केजरीवाल जी और सिसोदिया जी ने जो ठेकों की कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों की? और एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी से सीधा सवाल है कि ये जो बिचौलिए जिनको अलग अलग इनमें एक्यूज ठहराया गया, उनसे इनके रिश्ते क्या है? अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के रिश्ते क्या है इनसे? ये जवाब देना ही पड़ेगा। मित्रों, ये लोग जनता के सामने और जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो करते थे, लेकिन आज तक उस पर किया क्या? इतना ही किया कि आकर भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने अरविंद केजरीवाल जी, जो किंग पिन है भ्रष्टाचार के, और अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी ने किया। और मनीष जी ने तो, मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो, मनी मनी। ये है घोटाले करो, उल्टे पांव भागो, जनता को पीठ दिखाओ, मीडिया के सवालों का जवाब न दो, और कोई महिला पत्रकार पूछे तो उसको लताड़ करके धमकी देने का काम करो। इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। महिला सशक्तिकरण तो दूर, महिलाओं को अपमानित कैसे करते हैं ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिखाया।